तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। देखो 2023 में ना अगर बॉलीवुड का जब भी नाम आएगा, पहली बात तो ये कि बॉलीवुड की जो 2023 में जो हिस्ट्री बदल चुकी है, एक नया एंगल जो मिला है, नया मोड जो मिला है बॉलीवुड को, वो SR के शाहरुख खान के द्वारा मिला है। ये डेफिनेटली हम सब जान रहे हैं और देख भी रहे हैं, जो हर दिन हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा ना कि 2023 में जब भी बॉलीवुड की बात होगी, 2023 के बॉलीवुड की बात होगी, तो शाहरुख खान की इमेज, शाहरुख खान की फ़ोटो अपने आप आँखों के सामने आ जाएगी। कैसे? कभी पठान बनकर, कभी जवान बनकर, तो कभी डंकी बनकर। जी हाँ, सही सुना आपने दोस्तों, डंकी। एंड ऑफ दिस ईयर डंकी मूवी आनी है एट द टाइम ऑफ क्रिसमस। तो इतना सब कुछ मैंने पहले ही रिवील कर दिया, अब रेस्ट ऑफ द वीडियो में क्या क्या होगा भाई साहब, बहुत कुछ है। आप जुड़े रहें वीडियो तक, बस इतना ही कहूँगा आपसे। अपडेटेड आंकड़े हैं मेरे पास ट्रस्टेड सोर्सेज से, कब टीजर आना है, कब क्या होना है, क्रिसमस ही क्यों चुन रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, अगर आप भी SRK के डाई हार्ट फैन हैं। और उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अपडेटेड वीडियोज आपको हमेशा ऐसे ही मिलती रहें। लेकिन शुरू करने से पहले एक झलक जवान और पठान पर डाल लेते हैं। जवान तो जो तबाही मचा रही है हर दिन, वो सब देख रहे हैं। पठान 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी थी, जवान 1000 करोड़ क्रॉस करते नजर आ रही है। क्योंकि पठान के टाइम पे ये हाइप इतना नहीं देखने को मिला था जितना जवान के टाइम पे देखने को मिल रहा है। जो हाइप सेट चल रही है, जो जनता से प्यार मिल रहा, अलग लेवल का। मतलब पठान के टाइम जब ऐसा चल रहा था तो हमें लगा कि एटमोस्ट, मतलब मोस्ट इनफ है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा किसी स्टार को मिलेगा। उसके बाद यही सेम हाइप गदर 2 के टाइम भी देखने को मिली, लेकिन जवान के टाइम पे भाई साहब मुझे लग रहा है 2 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो रेस्पॉन्स है ना, इंडिविजुअली रेस्पॉन्स को स्टार खींचता है, 2 गुना ज़्यादा खींच रहे हैं SR के यहाँ पर। तो पठान तो जस्ट टीजर था, एक इंट्रो कह सकते हैं। जैसे ही 2023 की शुरुआत हुई, जैसे ही 4 साल के बाद शाहरुख खान के कमबैक हुआ, तो पठान एक टाइप से टीजर था। मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक वे पे डिज़ाइन कर रखा है SR ने। उनको मालूम था पठान ये रखेंगे, उसके बाद जवान को रखेंगे, उसके बाद डंकी को रखेंगे। यहाँ से मैं कहूँगा कि पठान से इन्होंने ये आगाज़ कर दिया था कि यस आई एम बैक। उसके बाद जवान को हम ट्रेलर कहेंगे, कि जवान जब आए तो पठान से मोर देन थोड़ा सा ज़्यादा मिला और ज़बरदस्त मिला। और ये अटमोस्ट लग रहा है, मोस्ट इनफ लग रहा है कि यार इससे ज़्यादा और क्या आ सकता है डंकी में। सभी की बहुत ही ज़्यादा थ्योरीज आ रही हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है डंकी में, वगैरह वगैरह। बहुत से फ़ैन बोल रहे हैं कि ये दोनों तो बस झांकी थी, बाई गॉड फिर से वही स्लोगन चल रहा है कि ये दोनों झांकी है, डंकी अभी बाकी है। तो डंकी में और ज़्यादा बहुत कुछ मिलने वाला है, वो तो आगे पता लग ही जाएगा जब इसका टीजर ट्रेलर आएगा। तो डंकी जो बवाल मचाने वाली है, या यूं कहो कि गर्दा उड़ाने वाली है, सभी के होश उड़ जाएंगे भाई साहब। मैं सही में बोल रहा हूँ, सभी के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि सच में पठान टीजर था, जवान ट्रेलर है, और मेन कोर्स पिक्चर अभी बाकी है डंकी के साथ। तो डंकी का टीजर सॉलिड प्रिडिक्शन ये हो रही है कि 2 नवंबर के आसपास आएगा, या 2 नवंबर को ही आएगा। अब 2 नवंबर को क्या है, एवरी वन नोज SRK का बर्थडे, तो उस दिन मे बी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, स्ट्रांग प्रिडिक्शन है कि आएगा ही आएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊँ तो पिछले साल पठान का जब टीजर आया था 2 नंबर को ही आया था, तो यहां पर भी डंकी के टाइम पर यही पॉसिबिलिटी लग रही है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। देखो जो अपडेट मिल रही है डंकी की ट्रस्टेड सोर्सेज से, इतना तो पता लग रहा है कि साला डंकी पोस्टपोन तो नहीं हुई है, डंकी मूवी पोस्टपोन नहीं है। मतलब SRK यहां हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं तिबारा, क्योंकि पठान से फर्स्ट टाइम हिस्ट्री क्रिएट करी, अबव देन जवान से सेकंड टाइम हिस्ट्री क्रिएट करी, और थर्ड टाइम क्रिएट करना चाहते हैं डंकी के साथ। तो मतलब बैक टू बैक ये 3 ब्लॉकबस्टर मूवी देना चाहते हैं। एक चीज़ ना, SRK की मेंटलिटी यहाँ से सेट मुझे ये दिख रही है, अगर मैं ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ तो, पठान जस्ट एक टाइप से सिंपल टाइप का इंट्रो एंट्री थी, जवान उससे बेहतर थी, उन्होंने सोच समझ के जवान को रखा, या पहले जवान को भी रख सकते थे लेकिन नहीं रखा, जवान को उसके बाद रखा। तो शायद डंकी का जो हाइप है, जो डंकी का मसाला होगा, वो जवान से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चीज़ हर कोई सोच समझ के चलता है। अगर आप पहले ही 100% दे दोगे और उसके बाद जब कोई चीज़ दोगे तो वो चीज़ अच्छी लगेगी नहीं, तो आपको स्टेप टू स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, मसाला चीज़ बढ़ानी पड़ेगी, तब आपको मज़ा आएगा। तो पठान रखा, उसके बाद फिर जवान रखा, अब जवान के बाद हमें जो हाइप सेट कर दी है SRK ने डंकी के लिए, तो मुझे लग रहा है सोच समझ के डंकी को रखा है बाद में। और डेफिनेटली बवाल ही मिलने वाला है डंकी मूवी से हमको। देखो डंकी की जो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है, क्रिसमस पर इस मूवी को रिलीज करा जाना है, ये स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आ रही है, ये ट्रस्टेड सोर्सेज से अपडेट निकल कर आ रही है। क्योंकि राजकुमार हिरानी की अगर बात करें, ये जो डायरेक्टर हैं इनके, जितनी भी प्रीवियस फिल्में हैं जो भी क्रिसमस पर आई हैं इनकी, वो हिट गई हैं, सुपर डुपर हिट गई हैं। तो मे बी इसमें भी अपनी किस्मत आजमाना चाहेंगे और क्रिसमस
क्रिसमस एक बेस्ट टाइम है। हालांकि दिसंबर में एनिमल तैयार बैठा है, 1 दिसंबर को एनिमल मूवी रिलीज हो जाएगी और मैं कह रहा हूँ कि एनिमल फाड़ के रख देगा, बाय गॉड, ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है एक बार के लिए, बाय गॉड। इसी के साथ दीपिका का भी रोल सुनने में आ रहा है, मतलब देखो पठान के टाइम पे पूरी रोल था दीपिका का, उसका जवान में कैमियो, तो डंकी में भी दीपिका का रोल देखने को मिलेगा। हो सकता है कैमियो टाइप का हो सकता है इससे भी ज़्यादा रोल हो, तो हु नोज, लेकिन हाँ दीपिका का रोल सुनने में आ रहा है। तो अब आप लोगों का क्या कहना है कि क्या एसआरके को दोबारा से रिकॉर्ड तोड़ते हुए आप सभी लोग देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं हैं? आपके हिसाब से एसआरके को एंड ऑफ दिस ईयर डंकी को रिलीज कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए, या फिर 2024 के लिए भी थोड़ा कुछ बचा के रखना चाहिए, या आप ये देखना चाहते हैं कि बैक टू बैक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट हो इस साल की, एक ही स्टार जो इतने टाइम के बाद आया हो, 4 साल के बाद आया हो, पहले तो ब्लॉकबस्टर मूवी थी, फिर उसके बाद सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी थी, उसके बाद जो बी वर्ड आए ब्लॉकबस्टर, धमाल धमाका, तीसरे टाइम के लिए वो मूवी देनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि तीनों मूवी को इस साल ये रिलीज, क्योंकि 2 तो रिलीज हो चुकी हैं, तो तीसरी मूवी को भी रिलीज कर देना चाहिए, ऐसी ब्लॉकबस्टर हिस्ट्री क्रिएट होनी चाहिए बॉलीवुड में या नहीं होनी चाहिए? आप लोगों का क्या कहना है? क्या एक ही साल में तीनों फिल्मों को बैक हिट करके बॉलीवुड में इतिहास लिखना चाहिए जो आने वाले 100 साल तक कोई हिला ना पाए, तोड़ ना पाए, बाय गॉड। तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स पर देना मत भूलना। बाकी मूवी रूवी और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।